हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पासवान गेमिंग। एंड मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक और वीडियो। देखो भाई लोग, मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि आजकल सारे बंदे ग्रैंड मास्टर पुशिंग कर रहे हैं और बहुत आसानी से वो कर भी ले रहे हैं। सो गाइस, आप लोग कैसे ग्रैंड मास्टर कर सकते हो, मैं आज उसकी टिप्स एंड ट्रिक आपको दूंगा, वो भी डुओ रैंक में। क्योंकि गाइस देखो, सोलो और स्क्वाड के मुकाबले है ना, डुओ में सबसे ज्यादा प्लस मिलता है। अब मैं ये चीज तो मानता ही हूं कि भाई स्क्वाड में भी प्लस मिलता है, पर स्क्वाड में कितना रिस्क रहता है वो तो आप लोग खुद ही देख लो। देखो गाइस, सिंपली आज मैं बीआर रैंक खेल रहा था, वो भी स्क्वाड के साथ, सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि स्क्वाड कितना बेटर है। और यहाँ पे देखो, एक स्क्वाड मेरे पर रस मार देती है, और ये था कि मेरे तीनों टीममेट्स यहाँ पहले ही मर गए थे। और एकदम से आसमान से एक बंदा आता है जो मुझे पहले थोड़ा सा डैमेज देता है, पर मैं उसे डाउन करके जल्दी से फिनिश कर देता हूँ। पर यहाँ तो उसकी पूरी स्क्वाड आ गई है। अब भाई मेरे बंदे यहाँ मेरे पास नहीं है, तो मैं स्क्वाड को कैसे संभालूंगा। और तभी एक बंदा सामने तो आता है जिसपे मैं थोड़ी सी गोली वेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास 18 गोली थी, इसलिए मैं तीन बंदों को कैसे मारता, इसीलिए मैं भी निपट जाता हूँ। अब देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग स्क्वाड मत ही खेला करो, क्योंकि स्क्वाड में ओनली वन माइनस ही लिखा और है। एक तो अगर जो आप लास्ट जोन भी चले जाते हो तो वो तब भी 30 से 40 बंदे अलाइव रहते हैं। तो भाई इससे अच्छा है कि आप डुओ ही खेलो, क्योंकि गाइस डुओ में है ना आप लोग 1v2 कर भी सकते हो। पर गाइस यार, स्क्वाड में ये पॉसिबल है ही नहीं। अगर जो आप 1v4 करने बैठोगे तो आपको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, और अगर जो आपके टीममेट फिर भी साथ नहीं रहते तो माइनस तो पक्का ही है। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस चलते हैं, आप जल्दी से डुओ स्टार्ट करते हैं और रैंक पुशिंग पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आपको भी तो टिप्स एंड ट्रिक बतानी है हमें। सो गाइस यहाँ पे देखो, हम लोग पहले तो एक प्लेयर ढूंढते हैं जिसका नाम वन पीस है। और गाइस ये सीरियसली मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ मैं गेम खेल रहा हूँ, और मुझे इस पे ट्रस्ट है कि अगर जो मैं मर भी जाता हूँ तो ये मुझे रिवाइव दे देगा। अब गाइस इसीलिए मैं उसको लैंडिंग के लिए दे देता हूँ, जो बंदा कि मुझे ब्लू जोन में फेंक देता है। अब गाइस मुझे यहाँ से थोड़ा कोने में जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता बीच में ही कोई निपटा दिया तो वीडियो तो हमारी बन गई। अब देखो यार क्या करता हूँ, मैं इधर कोने में तो आ जाता हूँ, पर मेरा फ्रेंड नहीं आता यहाँ पे, वो सीधा रस ही कर रहा था। देखो सामने की ओर फाइट तो चल रही थी, पर मैं यहाँ से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बंदे का थोड़ा सा जगह दिख रहा था, पर वहां पता नहीं क्यों एमो टच नहीं हो रही थी, ना किसी पे भी गोली नहीं पड़ रही थी। यार मैं भी परेशान होके एक दो गोली ऐसे छोड़ता हूँ, वो भी तोड़ने की कोशिश में, और ले भाई वो भी भाग गया। और फिर गाइस मैं अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे रस भी मार देता हूँ, बिकॉज यहाँ के बंदे अगर जो एक दूसरे में ही मर जाएंगे तो हमें खिल भी नसीब नहीं होगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। अब ऊपर की तरफ दो दो बंदे थे, तो यहाँ मैं बहुत सावधानी से यहाँ पे तो आ जाता हूँ, पर बंदा यहाँ पे मुझे लगा ऊपर होगा, इसको पहले ही एक गोली पड़ी है। अरे बाप रे, डैमेज कितना ज्यादा दे दी भाई, देख रहे हो कितना कम एचपी हो गई मेरी, पूरा पैक नहीं है। रुको सोनिया बन गए, डाउन हो जा, डाउन हो जा, डाउन हो जा। अबे बहुत सी, अबे दूसरा भी आ गया यार, मेरे ही साथ क्यों ऐसा होता है यार, हट यार, जल्दी से पहले मरने तो मेरा फ्रेंड नीचे से ही रिवाइव दे देगा शायद। पर अबे भाई आ जा ऊपर, रुको वो मुझे मरने को बोल रहा है, मैं मर जाता हूँ, और लो रिवाइव हो गया। अब जल्दी से चलते हैं पहले वहीं पे। और देखो अब ब्लू जोन में लास्ट के सिर्फ दो ही बंदे रह गए थे, इसीलिए हम लोग रश कर रहे हैं। और यहाँ मैं जिस घर पे आ चुका हूँ ये टॉप पे ही उतरा हूँ, बाकी ये क्या, यहाँ तो वॉल डाल रखा है। रुको इस कोने से निकलने दो, और आ गया पिस्टल है हाथ में, लो मेरे दोस्त ने उसको निपटा दिया। मेरे नाम पे एक भी किल नहीं आया यार, दिल से बुरा लग रहा है। चलो चलते हैं पहले किल उठाने, क्योंकि यहाँ किल बहुत कम है और मुझे किल की अभी काफी जरूरत है। और गाइस यहाँ पे मुझे गाड़ी भी मिल जाती है, और गाड़ी को लेके मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ जहाँ पे मेरा फ्रेंड के पास दो दो बंदे थे और वो वॉल में पैक थे। अब देखो मैं गाड़ी से वॉल तोड़ के भाई एक को डाउन किया, और ये लो भाई दूसरा भी खत्म। कितनी ओपी तरीके से यहाँ दो किल एक साथ ही ले लिया मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर। अब यहाँ दो किल होने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट लेता हूँ, जितनी भी बड़ी मेडिकिट थी लेने के बाद जोन में जा ही रहा था कि यहाँ एक और बंदा आ जाता है और अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था। भाई चार गोली भी नहीं से पाया, और लो भाई खत्म बंदा। और भाई चलो भाई चलते हैं अब जोन में हम। पर यार कोई मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। अब भाई बात रही टोकन्स की, तो वो तो है नहीं मेरे पास, तो सामने की ओर एक लास्ट रिवाइवर पॉइंट रह गया है, शायद अभी थोड़ी ही देर के अंदर वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैं पहले जल्दी से जाता हूँ, अपने फ्रेंड को रिवाइव देता हूँ, बिकॉज देखो डुओ स्क्वाड नहीं है तो यहाँ पे दो बंदे पागल तो होंगे नहीं, जोन के बाहर आके मुझे मारने आएंगे। और स्क्वाड में अगर जो आप खेलते हैं ना, तो भाई दो बंदे आ भी सकते थे, क्योंकि दो उनको रिवाइव दे ही देते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। तो यहाँ पे देखो 22 बंदे हैं, इसीलिए मैं आराम से इधर आके अपने दोस्त को रिवाइव देने लगता हूँ। और मैं भी वेटिंग कर रहा था, एक दो बंदा कोई भी आता है तो साले को निपटा दूंगा, पर कोई यहाँ पे आएगा ही नहीं, मुझे खुद पता है। क्योंकि डुओ में यार बहुत ज़्यादा आप लोगों को मतलब ज़्यादा बंदे नहीं रस मारते, अधिकतर बंदे सर्वाइव करते हैं और आपका टीममेट रहता है। तो देखो मैं जैसे उसको बचा दिया, वैसे आप भी मर जाओगे तो आपको भी रिवाइव मिल जाएगा। बाकी सोलो में या फिर भाई स्क्वाड में बहुत कम चांस रहता है, रिवाइव तो आपको स्क्वाड में बार बार मिलेगा, पर किल करने की बात आएगी तो भाई यार भाई स्क्वाड में इतनी हार्ड लॉबी पे बहुत कम ही किल कर पाओगे। तो पहले चलते हैं जल्दी से यार अब जोन के अंदर, बिकॉज देखो जोन अपना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे मेरी एसपी भी काफ़ी जाने लगी है, तो जोन के अंदर भागना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जितनी भी बड़ी मेडिक, वैसे तो गाइस मैंने बड़ी मेडिकिटी की मतलब सुपर मेडिकिटी क्लाइम की है, ज़्यादा नहीं मतलब कलेक्ट की है, और एक बहुत बहुत कम मतलब समझ रहे हो ना, मैंने
भाई कभी भी बीआर रैंक में या सोलो खेलूँ, स्क्वाड खेलूँ या डुओ खेलूँ, बाकी सुपर मेडी किट के अलावा बहुत कम चांस है कि मैं कोई और अरे सामने की ओर बंदा भाई छोटी वाली मेडी नहीं लेता। रुको इसको पार्ट ओपी डाउन हो गया, दूसरा भी है यहाँ पे, चलो जल्दी से फिनिश करने दो। किल ना चोरी कर लिए, दोनों फाइट कर रहे थे। रुको ये बंदा मुझ पे रस मारा, इसके पास भी एम10 है, बाप रे भाई। रुको 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 रुको, साले को बताता हूँ। अबे भाई पैक हो रहा है बंदा, जोन से मैं मर जाऊँगा ऐसे तो। अबे हट नुबड़े, अबे सोनिया बन गया, खत्म। चलो गाइस अब जल्दी से पहले इनकी पेटी से बड़ी मेडिकेट उठा लेते हैं, इसकी पेटी में कितनी बड़ी मेडिकेट है। और जल्दी से भाई चलते हैं अब जोन के अंदर। और यहाँ पे मेरी गाड़ी इसने फोड़ दी थी तो मैं लॉन्च पेड का इस्तेमाल करता हूँ, पर इतना बकवास लॉन्च पेड लगता है ना कि मैं भाई जमीन से सीधा आसमान की ऊंचाइयों से खजूर पे गिर जाता हूँ। और यहाँ से अगर जो मैं कूदता ना निपट जाता, इसलिए एक बड़ी मेडिकेट लगा के कूदा, फिर भी मेरी कम एचपी हो गई। और गाइस अब जल्दी से जल्दी मैं जोन पे नहीं गया ना तो एक लास्ट और जोन स्टार्ट होगा ना तो मैं निपट जाऊँगा भाई, खत्म भाई मेरा तो भाई जोन में ही यहाँ क्रियाक्रम हो जाएगा। तो साइड चलते हैं, जल्दी से भागते हैं और पहले जोन के अंदर जाते हैं। मेरे पास मशरूम भी कम है और यहाँ पे भाई मेरा टीममेट भी वेटिंग कर रहा है कि भाई मैं अगर जो डाउन भी हो जाऊँगा तो वो मुझे रिवाइव देने के लिए जोन के अंदर आ जाएगा, पर कोई चांस ही नहीं है वापस से डाउन हो जाऊँगा, एक सेकेंड भी नहीं मिलता। और चलो आप मेडिक जल्दी से खींचते हैं और भाई अपने टीममेट को कवर देते हैं क्योंकि सामने की ओर से बंदे मेरे टीममेट्स को डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं यहाँ थोड़ा बहुत उनको डराता हूँ कि वो थोड़ा पीछे हट जाएं, तब तक मैं पोजीशन पे आ जाऊँ तो आराम से फिर रस मार सकते हैं। और गाइस यहाँ पे उनका एक दो वॉल तोड़ता हूँ, फिर यहाँ पे मैं डायरेक्टली रस मार देता हूँ। देखो वॉल पास में भी डाल सकता था, बाकी उनके मुंह पे डालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो बंदे लोग डायरेक्टली खुद ही सामने से रस मारे, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि सामने की ओर से वो किसी और से फाइट कर रहे थे। बहुत सही, अबे बाप रे मुझे भी मार रहे हैं और मेरी टीममेट को डाउन कर दे भाई, जल्दी से भागना पड़े। पहले तो रिवाइव देते हैं, वेट गाइस कहीं मैं ही ना निपट जाऊँ, पीछे से निपटा दें भाई। लास्ट जोन में टीममेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बुइया हाथ से ऐसे छूटेगा कि जैसे सोचा भी नहीं होगा। अब वो बंदा इधर पागल बंदी में रस मारता और बार बार यहाँ पे ग्रेनेड फेंकने लगता है। चलो उसके मुंह पे ही वॉल फेंक के ग्रेनेड उसी के ऊपर गिरा देता हूँ और काफ़ी डैमेज देने के बाद भी नहीं मरता, इसलिए स्कार से मारने आता हूँ। बट यार मूवमेंट कर रहा था यार ये तो, भाई बीआर रैंक में मूवमेंट कहाँ से कर रहा है भाई। अभी देखो अब इसको मैं निपटा दूंगा, साले तेरी तो मूवमेंट करेगा सोनिया भाई और खत्म भाई। मुझे लगा दो दो होंगे यार, या तो एक ही था। वेट मेरी टीममेट के पास मेडी नहीं है। अब भाई जल्दी से चलते हैं यहाँ जमीन की ओर, मेडी फेंकते हैं क्योंकि मेरे टीममेट के पास मेडी नहीं है। और यहाँ मैं 3 सुपर मेडी किट फेंक देता हूँ और देखो लास्ट के सिर्फ अब भाई यहाँ पे अपने 6 ही बंदे रह गए हैं। और इधर पहले आराम से अब एसपी करके अब वो बंदों को भी निपटा ही देंगे, बिकॉज अपने से कहाँ ही ज़्यादा दूर होंगे, जोन काफ़ी छोटा हो चुका है। बुइया तो अपना ही होना चाहिए, बुइया बस ना छूटे यार भाई। इतना मतलब सर्वाइव, इतने किल और इतनी मेहनत के बाद भी अगर जो बुइया छूट जाता है तो समझ लो आपका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा, मतलब क्या ही प्लस होगा यार, 20-30 का ही प्लस होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वैसे डुओ है तो फिर भी इतने किल पे आप बुइया करते हो तो आपका 27-28 का हो जाएगा, सोलो होता तो 15-20 का भी नहीं होता। और गाइस यहाँ सामने की ओर एक बंदा दिखता है जिसे थोड़ा डैमेज देने के बाद यहाँ मेरे टीममेट के पास एक बंदा आ जाता है जिसे मैं साला किल चोरी कर लेता हूँ यार अच्छे से भाई। यहाँ मेरा टीममेट भी कई किल चोरी किया था। अब सामने की ओर देखो एक बंदा था, अब मैं उसको लॉन्च पैड से जैसे ही मतलब वॉल तोड़ूंगा और तोड़ने के बाद देखो भाई उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ पर वापस से वो वॉल डाल देता है। तो यहाँ दो बंदों की फाइट चल रही थी, अब मज़ा हम लेने वाले हैं भाई। यहाँ पे पहले तो मैं अच्छी खासी एमओ उठा लेता हूँ क्योंकि भाई अब वॉल ही तोड़ने में एमओ वेस्ट होगी और मेरा टीममेट भी मारे जा रहा था एक एक करके। अब यहाँ मेरे साथ बहुत गंदा वाला मजाक होगा। देखो जैसे ही सामने की वॉल में तोड़ने की कोशिश में लगने वाला हूँ और वहीं पे देखो क्या होगा, ये वॉल डाला अब मैं इसकी वॉल तोड़ूंगा। ओके रुको, ये मारा मैंने लॉन्च पैड और ये इसकी वॉल ख़त्म और यहाँ मैं डैमेज दिया और किल चोरी मेरा हो गया। यार ये सबसे बुरा लगता है यार, अपने करे वो बात अलग होती है बट दूसरा कोई करे तो भाई भाई बहुत बुरा लगता है यार सीरियसली। और यहाँ पे एक किल चोरी होने के बाद मेरा टीममेट कहता है सामने वाले पेड़ के पास एक बंदा है और सच में वहाँ पे एक बंदा था यार, मेरा टीममेट चाहता तो किल ले सकता था, बाकी मैंने उसको बोल दिया था लास्ट बंदे को गलती से मत टच करना। और यहाँ पे मैं ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंकने लगता हूँ। ओके तो यहाँ पे शायद बार ग्रेनेड से 64 का डैमेज मिल जाता है, बहुत से। अब ये बंदा निपट जाएगा मेरे हाथों, देखो इसको हेड मारने के चक्कर में बॉडी बॉडी ही निपटाएंगे। और ये लो इसी के साथ सबसे बेहतरीन बुइया हमको मिला है भाई लोग। यहाँ पे बुइया के साथ ही साथ देखो प्लस की बात करें ना तो प्लस भाई हद से ज़्यादा मिला, मैं तो 30 की डिमांड कर रहा था, यहाँ 42 का मिला है। तो आज की वीडियो पसंद है लाइक करना, बाय बाय मिलेंगे।